हेलो दोस्तों, आज एक बार मैं फिर हाजिर हूँ मीडिया हाउस की एक नई वीडियो में, जहां हम आज के एपिसोड के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हमने तंत्र एपिसोड में देखा था कि रोहित ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद वहां से चला जाता है, आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि रास्ते तो होश आ जाता है। में आने के बाद उसकी माँ सुमन उसके पास होती है और वह उसे हौसला देती है। परी ये सब देख नहीं पाती और वह वहाँ से चली जाती है। परी स्पीच को खत्म करने की रस्म खाती है और वह इसलिए वो सीधा पहुंच जाती है जहां पे रोहन और तानिया रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वह तानिया के थाने में जहर मिला देती है जिससे उसका बच्चा दी जाए, पर रोहन ये सब करने से उसे रोक लेता है और उसे वार्निंग देता है कि वह उसके बच्चे और तानिया के आसपास भी ना हटके, वरना वह उसे पुलिस में दे देगा। देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता कि कैसे परी स्पीच को बर्बाद करेगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुनाक्षी की माँ उसे हौसला देती है और देती है कि उसे अपने 18 करियर पर फोकस करना चाहिए। स्पीच ने उसकी तभी कदर नहीं जानी है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रोहित वहीं बैठा होता है जहाँ पर अक्सर सुनाक्षी और रोहित जब उदास होते हैं तब बैठते हैं। अब ये जानना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता कि कैसे रोहित और सुनाक्षी वापस मिलते हैं। आधे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुनाक्षी अपने सेट पर लौट आती है जहाँ पे सुनीत उसका अच्छे से वेलकम करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रहता है यह सब, और उसे सुनाक्षी रहती है कि वह अब सिर्फ अपने करियर पे ही ध्यान दे दी और एक दिन स्पीच से बड़ा नाम कमा दे दी। यह जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता कि कैसे वापस रोहित और सुनाक्षी मिल पाते हैं। आधे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हाई प्रोफाइल केस आया होता है और वह सिर्फ रोहित से ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, पर रोहित नशे की हालत में होता है। इसी बीच अजीत और निशी बुआ की तरह सुनी होती है। एपिसोड के दास्ते सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोहित और सुनाक्षी मिलते हैं और इसी बीच सुनाक्षी उसे कहती है कि वह एक दिन रोहित के नाम से आधे दिखाते दिखाएगी। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है जैसे सुनाक्षी यह सब कर पाएगी और जैसे हमें वापस से रोनासी मोमेंट देखने को मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। आवाज़ के लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आवाज़ का इशू है मेरे साथ और ये इशू आपको फेस करना पड़ेगा। सॉरी।